दोस्तों अगर आप भी अर्शदीप सिंह और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 4 विकेट लेकर यूएसए के खिलाफ हारा हुआ मैच जिताकर अकेले अपने दम पर अर्शदीप सिंह ने अपने बयान में अपना वो रोहित शर्मा को देकर कुछ ऐसा कहा है कि सुनकर शायद आप भी दोस्तों अर्शदीप सिंह को 100 गुना इज्जत करने लगेंगे। आखिरकार दोस्तों पाकिस्तानियों को भी करारा जवाब देते हुए रोहित को अपना अवार्ड देकर भावुक अर्शदीप ने क्या कहा, उनके बयान का पूरा वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद आमिर में ज्यादा बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों यूएसए जैसी टीम जिसने पाकिस्तान की टीम को जिंदा गाल के रख दिया था, आज उसका मुकाबला भारत के साथ न्यूयॉर्क के नसाऊ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैच शुरू हुआ नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम की किस्मत उनका साथ देने लगी थी। रोहित ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी और क्योंकि ये टॉस फेवरिंग पिच है कहीं ना कहीं पहले गेंदबाजी में सबको मदद मिलती है। इसका नतीजा ये रहा कि अर्शदीप सिंह ने 200 पहले ही ओवर में एंड्रियास गोस जो विकेट कीपर है और साथ साथ शायन जहांगीर इनको 0-2 पर आउट कर दिया था। पहले ही ओवर में 2 ब्लो के बाद 200 अर्शदीप सिंह के झटकों के बाद यूएसए की टीम वैसे ही अधमरी हो गई थी। हाँ बीच में 24 और 27 रन की पारी जरूर आई एनआर कुमार और स्टीवन टेलर के बल्ले से, जिससे कि स्कोर 110 पर पहुंचा। लेकिन अर्शदीप अकेले 4 विकेट लेकर गए, वो भी मात्र 9 रन देकर, ये अपने आप में शानदार बात थी। खैर दोस्तों अर्शदीप की इकोनॉमी और उनके शानदार आंकड़ों से हटकर अब भारत को 111 चेस करने थे। और भूलिए मत, एक स्लो पिच है जहां पर रोहित और कोहली आज फिट ट्रैप हो गए। सौरभ ने इन्हें 3-0 पर आउट किया। लेकिन इसके बाद ऋषभ पंत की 18 रन की इनिंग आई और जीत के असल हीरो बने दोस्तों कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने 49 गेंदों में 50 रन बनाए और 35 में 51 शिवम दुबे ने। इन सब कंट्रीब्यूशन के चलते भारतीय क्रिकेट टीम को जीतने में कोई ज्यादा तकलीफ हुई नहीं और भारतीय टीम ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। दोस्तों भारत ने इस मैच को 7 विकेट के अंतर से जीता है और दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच अनडाउटेडली अर्शदीप सिंह बने। भला 9 रन देकर 4 विकेट कौन सा डेली लिए जाते हैं। अर्शदीप दोस्तों जीत के बाद बेहद खुश थे, लेकिन अर्शदीप ने अपने इस अवार्ड को रोहित को तो दिया ही, साथ ही साथ 200 बुमराह से लेकर सूर्य कुमार यादव को जीत का असल श्रेय देकर इस युवा खिलाड़ी ने जो कहा है वो आपको भी सुनना चाहिए और आप सुनकर इन्हें सलाम करेंगे आज। दोस्तों आपको बता दें कि अर्शदीप सिंह ने मैन ऑफ द मैच बनकर अपना अवार्ड देकर रोहित को अपने बयान में कहा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अपनी परफॉर्मेंस से, इनफैक्ट अपनी टीम की परफॉर्मेंस से ही, क्योंकि पिछले दोनों मैचेस में हमने बहुत अच्छा किया है, मैंने कुछ ज्यादा ही रन लुटा डाले थे और इस बात से थोड़ा सा अपसेट भी था। आज इस मैच में मुझे उस गलती को सही करना था, सो मौका मिला तो कर भी दिया। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि मेरे जो कप्तान हैं, मेरे जो सीनियर प्लेयर्स हैं, उनका बिलीफ मेरे अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और शायद उसी भरोसे के चलते मुझे पता था कि मुझे क्या करना है, बस फिर किस बात की देरी थी, मैदान में आना था और परफॉर्म करना था। जैसे जैसे मुझे मौके मिलते चले गए वैसे वैसे मैं परफॉर्म करता गया। हाँ विकेट्स लेने में बहुत ज़्यादा मदद रोहित और बुमराह भाई ने भी की, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा समझ रखते हैं क्रिकेट की और अगर उनको सुनूंगा तो सही रास्ते पर भी चलूंगा। इनफैक्ट वो सभी खिलाड़ियों का बहुत ध्यान रख रहे हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं, क्योंकि रोहित भाई इसी टीम के साथ ट्रॉफी को उठाना चाहते हैं। मेरे हिसाब से वो दुनिया के सबसे महान कप्तान हैं, इसीलिए ये ट्रॉफी उनको और बुमराह भाई को समर्पित। उम्मीद है हम उनके लिए विश्व कप जरूर जीतेंगे इस बार। दोस्तों अर्शदीप सिंह का बयान और इरादे दोनों जल्द जीतने वाले हैं। वैसे आप सभी उनकी परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।